हमें नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि आप लोग डार्विन की थ्योरी को मानते हैं, हम नहीं मानते। हम वैदिक धर्मानुयायी हैं, हम डार्विन को कहां से मानेंगे? डार्विन की बुद्धि तो विकृत थी, हम उसको मानते नहीं, उसका खंडन हम अभी करेंगे बाद में। लेकिन अभी जो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि यदि डार्विन की थ्योरी के अनुसार बंदर की पूंछ घिस गई तो मनुष्य बन गया, तो क्या बंदर की कोई ऐसी जाति है जो मांसाहारी हो? आपने बंदरों कभी मांस खाते देखा है? नहीं। चिंपांजी भी नहीं खाते, वो गुरले जो होते हैं वो भी मांसाहारी नहीं है ना, ना? शुद्ध शाकाहारी है। तो जब हम कहा कि तुम्हारे बाप दादे जो बंदर थे वही मांस नहीं खाते थे, तो मनुष्य में मांस खाते पूछ घिसते ही मांस खाने की वृत्ति कहां से आ गई? अब सब चुप। तो मैंने कहा कि यह मांसाहार मनुष्य का आदिम आहार नहीं रहा है, याद रखो। ये तो जब मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हुई है उसमें आसुरी या राक्षसी वृत्ति आई है तब उसने मांस खाना शुरू किया। पहले आदिकाल में मनुष्य मांसाहारी नहीं था, मेरा एक कथन था। और इसको मैं चैलेंज करके पूछ रहा हूं कि यदि कोई बता दे मुझे कि बंदर जब मांसाहारी नहीं, एक बंदर का जीवन बिना मांस के जी रहा अब तक जी रहा है, तो बंदर से मनुष्य बनते कैसे मांसाहारी हो गया, क्या परिवर्तन आया उसको? आज भी जैसे बंदर के दांत है वैसे मनुष्य के दांत है, जैसे बंदर के पेट है वैसे मनुष्य के पेट है, जैसे बंदर की आकृति है बहुत मिलती जुलती आकृति मनुष्यों की होती है, बहुत तो ऐसे मनुष्य दिखाई देते हैं जैसे लगता है सही में बंदर के औलाद है ये। हाँ, लेकिन आप देखिए उनके पास कोई उत्तर नहीं था इसका। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि मांस मनुष्य का आहार नहीं, बुद्धि जब तमोगुणी हो जाती है रजोगुणी हो जाती है तो विकृत हो जाती है, फिर उससे सही कर्म नहीं होता, कर्म का जो प्रयोजन है वो पूरा नहीं कर पाता। यही कारण है कि आदमी अपने आप को अपने स्तर से ऊपर नहीं उठाता। आप एक सेल के प्राणी अमीबा से ऊपर उठते हुए पशु योनि में आए, फिर बंदर योनि में आए, फिर मनुष्य योनि में आ गए। मैंने कहा हमका डार्विन एक जगह गलती कर गया, उसने कहीं पढ़ा होगा कि बंदर योनि के बाद मनुष्य योनि मिलती है। जैसे हमारे यहां एक ये श्लोक भी मैंने आपको सुनाया कि 84 लाख योनियों में स्थावर विस्तार लक्षण, 20 लाख योनियां तो स्थावरों की है, ये जो वनस्पति औषधि आदि जो है, और जलजम च नौलक्षकम, 9 लाख योनियां जलचरों की है जो जल में रहने वाले जीव है। स्थावर विस्तीर्ण लक्षण जलजम च नौलक्षकम, कृमश्च रुद्र लक्षण च, और कीड़े मकोड़े जो है 11 लाख योनियां इनकी है, 11 लाख, और 10 लक्षण च पक्षिणाम, और 10 लाख योनियां पक्षियों की है, मच्छर से लेकर के आकाश में उड़ने वाले, और 30 लक्षण पशु नाम च, 30 लाख योनियां पशुओं की है जो चार पाए, और 4 लक्षण च, क्योंकि न तो ये पशु है न तो मनुष्य, बीच के हैं इसलिए इनको किम पुरुष कहते हैं। 4 लक्षण च बानर, बानर योनि के पश्चात ततो मनुष्यता प्राप्त, उसके बाद में मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। तो डार्विन ने यह समझ लिया कि बानर के पश्चात मनुष्य योनि है, तो शायद बानर की पूंछ घिस करके मनुष्य योनि बन गई। अरे भले आदमी सबके जीन्स अलग अलग है, जीन्स सबके अलग अलग है, जीन्स जानते हो ना, वीर्य सबके अलग अलग हैं, मनुष्य का वीर्य अलग है, बानर का अलग है, पशु पक्षियों का अलग है, सबके वीर्य अलग अलग हैं, और वीर्य से ही शरीर का निर्माण होता है। अब जीन्स के साथ उन्होंने एक और अनुसंधान किया है, डीएनए, हाँ, जिसका सूक्ष्मतम अनुसंधान हमारे ऋषियों ने किया था, जिसको हमारे यहां गोत्र कहा जाता था, गोत्र। अब आजकल अमेरिका में बहुत से ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनके पिता का पता नहीं होता इसका पिता कौन है, क्योंकि वहाँ तो क्या बताऊँ वहाँ के हाल, दुनिया में यदि सबसे गिरा हुआ कोई देश है तो अमेरिका है। हाँ, क्योंकि मैं तो वहाँ 25 वर्ष रहा हूँ इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो वहाँ
कोई आपको स्त्री नहीं मिलेगी जिसको 10 या 5 या 7 4 6 पति न हो, कोई एक पति की स्त्री मिलेगी नहीं आपको, मुश्किल है। अब वो किससे बच्चा पैदा हुआ उसको भी पता नहीं है किससे पैदा हुआ, अब वहां समस्या आ जाती है कि इसका बाप कौन होगा। अब उन्होंने अनुसंधान करके डीएनए खोजा, डीएनए इससे पता चल जाएगा कि इसका बाप कौन है। तो एक बार एक वैज्ञानिक मेरे से चर्चा करने लगा कि अब डीएनए से हमने पता लगा लिया कि उसका बाप कौन है। बिल्कुल गलत तुम कह रहे हो। कहा क्यों? हम कहा डीएनए से यह पता लगेगा कि यह किस ग्रुप का बच्चा है, इसका बाप कौन है नहीं पता लगेगा, क्योंकि एक पिता के यदि 4 पुत्र हैं तो 4ों पुत्रों का डीएनए एक होगा। एक भाई 4 भाई हैं उसके आगे उतने लड़के बढ़ते जा रहे हैं, सबका डीएनए एक होगा। तो यह पता चलेगा कि इस फैमिली का लड़का है, लेकिन उसमें उसका बाप कौन है यह पता करना मुश्किल है। कैसे करूं तो सबके डीएनए तो एक है। अब बात उनके समझ में आई, कहा बात तेज है, इस गोत्र का यह बच्चा है तो पता चल जाएगा, लेकिन किसका है पता नहीं चलेगा। अरे हमारे यहां भी तो ऐसा होता था पहले। छांदोग्य उपनिषद आप पढ़िए, उसमें एक कथा आती है कि जाबाली नाम की एक महिला थी, जाबाली, जाबाला कहते थे उसको, उसका एक पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम था सत्यकाम, उसने सत्यकाम नाम रखा। बच्चों के साथ खेलता था, जब बच्चे बड़े हुए तो कहने लगे हम तो गुरुकुल में जाएंगे पढ़ने, तो अपने माँ के पास आया, कहता माँ मैं भी गुरुकुल में जाऊंगा। माँ रोने लगी बेचारी, कहा तुम गुरुकुल में जाओगे तो वहां क्या करोगे? कहा मैं विद्या पढ़ूंगा। कहा विद्या तुम्हें कौन पढ़ाएगा? गुरु पहले पूछेंगे कि तुम्हारा गोत्र क्या है तो तुम क्या बताओगे? कहा तुम बताओ मेरा गोत्र क्या है। कहा मैं क्या जानू तुम्हारा गोत्र क्या है। कहा मैं तो कईयों की सेवा करती थी, उसमें से ना जाने किससे तू पैदा हो गया है, तो मैं कैसे कह सकती हूँ तुम्हारा गोत्र कौन सा है? तुम्हारे बाप का तो हमें ही पता नहीं है। माँ कहती है कि तुम्हारे बाप का हमें ही पता नहीं है तो मैं तुम्हें क्या बताऊं। उसने कहा बस इतना ठीक है। वो पहुंच गया गौतम ऋषि के पास, उनके चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने पूछा वत्स कैसे आए? उसने कहा विद्या अध्ययन करने के लिए। कहा तुम बताओ तुम्हारा गोत्र क्या है? वो कहता है कि ये तो मेरे माँ को भी मालूम नहीं है, मेरी माँ का नाम जाबाला है और मेरा नाम सत्यकाम है। मेरी माँ ने कहा कि उसको हमारे पिता का पता नहीं है कि कौन है। गौतम ऋषि ने कहा कि तुम ब्राह्मण हो, तुम ब्राह्मण हो, क्योंकि तूने छिपाया नहीं, स्पष्ट बात कह दी। जो सत्यवादी है वो ब्राह्मण होता है, इसलिए तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा संस्कार करते हैं। तो सत्यकाम जाबाल का संस्कार करके उसको विद्या अध्ययन कराया और भारत का एक महान ऋषि बना सत्यकाम जाबाल। सत्यकाम जाबाल महान ऋषियों में एक हुआ है। तो मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि हमारे यहां भी ऐसे लक्षण पहले निर्धारित किए गए थे, लेकिन आज ये लक्षण काम करेंगे क्या? क्या राय आप लोगों की? आज इस लक्षण पर कसने लगे तो भारत में कितने ब्राह्मण मिलेंगे? भाई सत्यवादी कहने का अभिप्राय, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि पश्चिम में जो मैं कहने जा रहा हूं उसको समझिए कि पश्चिम में इस प्रकार के आजकल खोज कर रहे हैं लोग, लेकिन अभी वो सफल नहीं हुए हैं। मनुष्य का डीएनए अलग है, बंदर का डीएनए अलग है, बात समझे? उनके बीज अलग हैं, उनके बीज अलग हैं, उनके बीज से वो पैदा नहीं हो सकते, ये निश्चित मत है। इसलिए ना तो बंदर की पूंछ घिस करके मनुष्य बन सकता है और ना तो मनुष्य कभी बंदर की औलाद हो सकता है, याद रखो। उसके अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग उनकी प्रक्रियाएं हैं। तो मैं आप लोगों को केवल इतना बताना चाहता था कि ये कर्म हमारे जो हैं वो मनुष्य योनि में आकर के हमें स्वतंत्रता रूप से प्राप्त होते हैं। पशु को क्या खाना है यह निश्चित है, गाय घास खाएगी यह निश्चित है, शेर मांस खाएगा यह निश्चित है, लेकिन मनुष्य क्या खाएगा यह निश्चित नहीं है। बात समझे? मैंने देखा है यहां से भारत से लोग गए जिसके माँ बाप अपने घर में प्याज तक नहीं आने देते थे, लहसुन प्याज बचाते थे, उसके बच्चे वहां पर मुर्गे चबाते हैं।
हाँ चिकन कड़ी खाते, चिकन कड़ी क्या कहोगे? भारत में ही देखिए, कभी आपने देखा था कि दुकानों पर सब्जियों के बगल में अंडा बिकता हो? कभी कल्पना कर सकते थे आप? लेकिन आज आज खुले बाजार में अंडे ऐसे बिकते हैं जैसे पहले कभी आलू और परवल मिलते थे और लोग खरीद कर खाते हैं। पहले कहीं कोने में आड़े कहीं शराब की दुकान होती थी और कोई आदमी चोरी सिवास खरीदता था तो लोग उंगली उठाते थे शराबी है, और आज तो बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं अंग्रेजी शराब और देसी शराब चौराहे के ऊपर, और लोग शौक से जाते हैं अंग्रेजी शराब खरीदते हैं, लोग कहते हैं वाह ये तो अंग्रेजी पीता है, अपना वो गौरव मानते हैं उसमें। यानी आजकल विनाश के सारे साधनों को लोग गौरव मान रहे हैं, ये बुद्धि वैचित्र का ही परिणाम है, विकृत बुद्धि का ही परिणाम है। इसको कहते हैं अज्ञान। अज्ञान माने विपरीत ज्ञान। बात समझिए, तो हम आप सब परमात्मा के ही अंश हैं, परमात्मा की ही अभिव्यक्ति हैं, परमात्मा ही हमारे आपके रूप में चेतन रूप में विराजमान, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हमारे आपके कर्म जो है वो परमात्मा के तो नहीं हो सकते, क्योंकि कर्म का आधार तो बुद्धि है, बुद्धि से अहम उत्पन्न होता है तो अहम कर्म करता है, अहंकार करता है ना पुरुष। सांख्य शास्त्र करता है कि कर्म का आरंभ कहां से होता है? अहम से, अहम से कर्म का आरंभ होता है। और वो अहम जो है वो प्रकृति का कार्य, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, गीता भगवान कहते हैं। इसलिए यदि आप अपना उत्थान चाहते हैं तो अपनी बुद्धि को शुद्ध करने का प्रयत्न कीजिए, और बुद्धि यदि शुद्ध हो जाएगी तो आपको यथार्थ ज्ञान होगा। यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए और कुछ नहीं करना है, बुद्धि को शुद्ध करना है। और जितने हमारे यहाँ साधन है ना, योग के साधन, भक्ति के साधन, ज्ञान के साधन, ये सब केवल बुद्धि की शुद्धि के लिए। उसको वेदांत की भाषा में अंतःकरण शुद्धि कहते हैं, हमारी सांख्य की भाषा में बुद्धि की शुद्धि कहते हैं, गीता उसे विशुद्ध बुद्धि का नाम देती है। ये सारे साधन केवल बुद्धि को शुद्ध करने के लिए है। और श्रुति ने, वेद ने तो ये कहा आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। कहा बुद्धि शुद्धि कैसे होगी? कहा आहार की शुद्धि से। कहा आहार किसे कहते हैं? कहा आहार्यते इति आहार, जो कुछ बाहर से आप रिसीव कर रहे हैं ले रहे हैं सब आहार है। कान का आहार है, जो घंटे भर बैठकर मेरी बात सुन रहे हैं, इससे पहले मेरे शिष्य की बात सुनते रहे, उससे पहले दूसरी मेरी शिष्या की बात सुनते रहे, उससे पहले आप पंडित जी की बात सुनते रहे, ये कान का आहार है। बात समझिए, जैसे कान का आहार है वैसे आंख का भी आहार है, जैसे आंख का आहार है वैसे नाक का भी आहार है, वैसे जिह्वा का आहार है। ये पांचों ज्ञान इंद्रियों के अपने आहार हैं, ये बाहर से अपने विषयों का आहरण करती हैं और आहरण करके फिर आपकी बुद्धि के सामने समर्पित करते हैं, और जिस प्रकार का आहार होता है आपकी बुद्धि उसी प्रकार की बदलती रहती है। आहार यदि सात्विक है तो बुद्धि सात्विक हो जाएगी, और आहार यदि दूषित है तो बुद्धि दूषित हो जाएगी। और दूषित बुद्धि के प्रकाश में यदि आप चाहें कि आपको यथार्थ ज्ञान हो जाए और आप ये अनुभव कर लें कि आप परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है, असंभव है। याद रखो, ये धर्म जो है वो किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है, याद रखना, ये सार्वभौम है। मैं तो आप लोगों को बताया ना कि मैं लगभग 27 वर्षों तक यूरोप और अमेरिका में बिताया हूं, एक दो दिन नहीं। और वहां जितने हमारे श्रोता हैं अधिकांश उसमें सब अंग्रेज हैं जो क्रिश्चियन थे। अमेरिका में बहुत से श्रोता हमारे मुसलमान हैं जो कभी इस्लाम में आस्था रखते थे, मेरी बातें सुनते हो, बड़े श्रद्धा से सुनते हैं, प्रेम से सुनते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। आपको अमेरिका में ऐसे बहुत से घर मिलेंगे, यदि आप उनके घरों में जाएं तो आप सोचेंगे कि भारत के किसी ब्राह्मण के घर में आ गए हैं, इतना शुद्ध सात्विक वातावरण उनके घर में मिलेगा। जिनके माँ बाप गऊ मांस खाते थे और शराब पीते थे, आज उनके बच्चे गऊ मांस दूर रहा अंडे तक नहीं छूते, घर के अंदर आना तो दूर की बात है। वो जान गए हैं इस रहस्य को कि मनुष्य की बुद्धि जब विकृत होती है
दूषित होती है तभी उसमें अनेक प्रकार के अनर्थकारी संस्कार उत्पन्न होते हैं। और बुद्धि को शुद्ध करने के लिए जीवन की शुद्धि आवश्यक है। लेकिन आजकल मैं क्या बताऊं, एक दिन और मैंने निवेदन किया था कि भारत जब परतंत्र था तो यहां 20% मांसाहारी थे और आज अब 70% हो गए। और सरकार इसके लिए आपको मदद कर रही कि आप मांस खाओ, मछली पालने के लिए आपको सब्सिडी मिलेगी, मुर्गी पालने के लिए सब्सिडी मिलेगी, सुअर पालने के लिए सब्सिडी मिलेगी, लेकिन गाय पालने के लिए सब्सिडी नहीं मिलेगी। एक जगह मैं गया तो एक सज्जन ने पूछा, मेरे साथ कुछ लोग थे, उनसे ठंडा पियोगे कि गर्म पियोगे। मैंने उनसे पूछा आपका ठंडा गर्म होने क्या होगा भाई, कहा यदि चाय पियेंगे या कोका कोला पियेंगे। मैंने उनसे पूछा आपका ये बता तो कोका कोला कितने का आता है। उसने बताया 8 या 10 रुपए का, उन दिनों ऐसे आता था। हमका उसमें कितना पानी होता है, कहता 250 ग्राम। हमका 250 ग्राम 8 रुपए का तू ले आया, मान लो 8 रुपए का। और यहां दूध क्या भाव बिकता है, तो कहता दूध बड़ा महंगा है, तो क्या भाव है। कहता गुरु जी यहां 12 रुपए किलो दूध है। हमका 8 रुपए में 250 ग्राम कोका कोला महंगा है या 12 रुपए में 1 किलो दूध महंगा है, सोचो पहले। तो तुम ये तो नहीं पूछे कि आप दूध पियोगे कि मट्ठा पियोगे लस्सी पियोगे, जैसे पहले पूछ देते कि दूध पियोगे कि लस्सी पियोगे, और तुम पूछ रहे हो गर्म पियोगे कि ठंडा पियोगे। 8 रुपया दे करके तुम 250 ग्राम सड़ा हुआ पानी इनको पिलाना चाहते हो, भले आदमी बुद्धि तुम्हारी इतनी विकृत हो गई है। और वही 250 ग्राम दूध ले आओ एक गिलास में, कितने का मिलेगा। यदि 12 रुपए किलो है तो कितने का हुआ 250 ग्राम, एक पाव दूध कितने का हुआ भाई, 3 रुपए का। 3 रुपए का दूध पिलाकर इनका भी कल्याण करो अपना भी कल्याण करो, और 8 रुपए का कोका कोला पिलाकर इनकी भी बुद्धि भ्रष्ट करो, तुम्हारी तो भ्रष्ट है ही पहले से क्या कहा जाए। लेकिन नहीं, बुद्धि जब विकृत हो जाती है तो आदमी सत्य को नहीं समझ पाता, उल्टा ही सोचता है। तो मेरे से क्या कहता जानते हो, कहता गुरु जी आज के लिए फैशन है, फैशन मेरे विचार से फैशन शब्द का उसको अर्थ भी मालूम नहीं होगा, लेकिन वो कहता है ये फैशन है। तो आप लोग याद रखिए, अपने कर्म ही अपने लिए स्वर्ग नरक अपवर्ग आदि के जिम्मेदार बनते हैं। ये परमात्मा की सृष्टि अनंत है, जैसे हमारा पृथ्वी लोक है ना, हम पृथ्वी लोक में रह रहे हैं, इसको मर्त्य लोक कहते हैं। ऐसे हमारे ऋषियों ने 7 लोकों का अनुसंधान किया है, ओम भू ओम भुआ ओम सुहा ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्यम। अब सत्यम लोक जो है, सत्यम लोक में सभी प्रकार के दिव्य लोकों की प्रतिष्ठा है, उसको ब्रह्म लोक भी कहते हैं, गो लोक भी कहते हैं, साकेत लोक भी अपनी श्रद्धा अनुसार सब लोगों ने नाम रखा है, कोई वैकुंठ लोक कहता है उसे, अनेकों नाम देते हैं उसको। ये लोक नहीं है ऐसी बात नहीं है, इनकी स्थिति है, और उनमें उसी प्रकार से लोग रहते हैं, जीव रहते हैं, जैसे हम यहां रहते हैं। अंतर क्या है, हम यहां मर्त लोक में रहते हैं, हमारी मृत्यु निश्चित है लेकिन कब होगी ये निश्चित नहीं है, और उनकी मृत्यु भी निश्चित है लेकिन कब होगी वो निश्चित है, उससे पहले वो नहीं मर सकते। देवताओं को अमर जो कहते हैं, अमर माने ये नहीं कि उनकी मृत्यु होती ही नहीं, ना ना, मृत्यु उनकी भी होती है, देवता भी मरते हैं। ये देवता ना मरे तो यहां मृत्युलोक में आकर के जन्म कैसे लगे, मोक्ष कहां से पाएंगे, तो दो योनि से मोक्ष हो ही नहीं सकता उनका, तो वो भी मरते हैं। आब्रम गुना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, भगवान ने कहा, लेकिन उनकी मृत्यु निश्चित होती है कि वो इतने वर्ष तक उस लोक में रहेंगे, किसके बल पर रहेंगे, अपने कर्मों के बल पर रहेंगे। तेतम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम छीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति, जब उनका पुण्य छीण होगा तब वहां से गिरेंगे, और पुण्य की उनकी सीमा है, बस समझे। लेकिन हमारे कर्म की सीमा है, लेकिन हम जानते नहीं उनके पुण्य की सीमा है, वो जानते हैं, अंतर इतना ही है। इसलिए उनको अमर कहा जाता है,
यहां हमारे साथ दो रोग और लगे हुए हैं, जरा और व्याधि। लेकिन उन लोगों में रहने वाले को न जरा होती न व्याधि होती है, वो रोग से पीड़ित नहीं होते और वो वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होते। ये दो प्रकार के उससे वो मुक्त रहते हैं, इसलिए उसको दिव्य लोग कहा जाता है। लेकिन उनके भी उस सीमा का अंत है, वो भी ब्रह्मलोक से गिर करके पुनः मृत्युलोक में आते। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, जे ज्ञान मान विमत्त तो भो हरनि भक्ति नयादरी ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी। देवताओं के लिए जो दुर्लभ है ब्रह्मलोक, वहां जाकर के उनको मैं गिरता हुआ देखता हूं। वेद स्तुति करते हुए भगवान से कहते हैं, मेरे कहने का अभिप्राय कि आप अपने कर्मों के अनुसार सत्यम लोक तक जा सकते हैं, लेकिन सत्यम लोक के आगे आपके कर्म आपके साथ ही नहीं हो सकते, ये भी याद रखना। इसका एक उदाहरण देकर मैं आप लोगों को समझाऊंगा, आप जान जाएंगे। आपकी सीमाएं दो भागों में बंधी हैं, एक तो आपका घर है, आपके घर की सीमा है, घर में आप रहते हैं, घर की ताली किसके हाथ में है? आपके हाथ में, क्योंकि आपका घर है। आप जब चाहो तो अपने घर की ताली खोलो, बाहर चले जाओ, और बाहर जाकर कहां तक घूम सकते हो? पूरे भारत तक, कोई आपको रोकने वाला नहीं। जहां तक भारत की सीमा है वहां तक आप अपने घर की ताली खोलिए और जाकर घूमिए, कोई रोकेगा आपको? कोई नहीं रोक सकता ना। ना बहुत से लोग घूमते रहते हैं, मैं ही कई बार घूमा हूं पूरे भारत में। लेकिन यदि भारत से बाहर जाना हो तो आप मनमानी जा सकते हो क्या? ना ना नहीं जा सकते। फिर किससे इजाजत लेनी पड़ेगी? सरकार से। बिना सरकार की आज्ञा के आप अपने देश की सीमा से बाहर नहीं जा सकते, उसकी चाबी आपके हाथ में नहीं है। उसकी चाबी किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में है, बात समझे? इसी प्रकार से यदि आप अपने इस दृष्टि जीवन से मुक्त होना चाहते हो तो इसकी चाबी आपके पास है, वो ज्ञान की चाबी है। ज्ञान की चाबी से अपने अहम को मिटा दीजिए और आप दृष्टि भाव से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन आप यदि इस सृष्टि से मुक्त होना चाहते हैं तो वो चाबी आपके पास नहीं है, याद रखना। ज्ञान के द्वारा आप अविद्या से मुक्त हो सकते हैं, दूसरे शब्दों में दार्शनिक भाषा में सुनिए, ज्ञान के द्वारा आप अविद्या से मुक्त हो सकते हैं, विद्या से मुक्त नहीं हो सकते। विद्या से मुक्त होने के लिए तो केवल एक उपाय है, जैसे देश से बाहर जाना हो तो उसकी चाबी सरकार के हाथ में है, ऐसे यदि विद्या से मुक्त होना हो तो उसकी चाबी परमात्मा के हाथ में है। आपको उसकी शरण में जाना होगा, बिना उसकी इजाजत के आप विद्या से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए भगवान ने गीता में स्पष्ट शब्दों में बताया, देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरते। ये विद्या माया है, अविद्या माया नहीं। अविद्या माया से मुक्त होना आपका अधिकार है, ज्ञान आपको अविद्या से मुक्त करेगा, विद्या से मुक्त नहीं कर सकता, याद रखना। विद्या किसे कहते हैं? कारण प्रकृति। और अविद्या किसे कहते हैं? कार्य प्रकृति। कार्य प्रकृति का नाम अविद्या है, ना विद्यते इति अविद्या। जो एक रूप में हमेशा न रहे उसको अविद्या कहते हैं। ये कार्य प्रकृति है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जितने सृष्टि है ये सब अविद्या का परिणाम है। लेकिन विद्यते इति विद्या, जो एक रूप में सदा रहती है, जिसमें कोई कमी बेसी नहीं होती, वो विद्या प्रकृति है, बात समझे? और ये सृष्टि जो है ये विद्या प्रकृति का ही विकार है, अविद्या का विकार नहीं है। अविद्या तो स्वयं है, अविद्या तो विकार रूपा है, लेकिन ये विकार किसका है? विद्या का विकार है। इसीलिए जहां भगवान के चार चरणों की व्याख्या की गई ना, ऋग्वेद में एक मंत्र आता है पादोस्य विश्वाभूतान त्रिपादस्यामृतंद्वे, तो उसमें बताया गया कि परमात्मा के चार चरण है, उसमें अविद्यापाद विद्यापाद आनंदपाद और तुर्यपाद, ये चार चरण। अविद्यापाद विद्यापाद आनंदपाद और तुर्यपाद, तो विद्यापाद आनंदपाद और तुर्यपाद ये अमृतम देवी, ये दिव्य हैं, अमृतमय हैं, अविनाशी हैं,
और ये अविद्यापाद जो है ये नाशवान है, पादोस्य विश्व अभूतान नाशवान। इसलिए ये जितने लोक हैं, लोक लोकांतर हैं, ये सब उसी के अंदर विराजमान है। और यदि इन लोकों से परे जाना है आपको तो केवल एक ही रास्ता है, परमात्मा की शरणागति, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। ये जितने ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के लोक हैं ये सब उस विद्यापाद में निहित हैं। और यदि आपको ब्रह्मलीन होना है तो इससे तो परे जाना पड़ेगा। जिस ब्रह्म की मैं चर्चा कर रहा था कि कल बताया था कि उसी की आप अभिव्यक्ति हैं, वो तो इन सबसे परे है, वह परम चैतन्य घन है। इसीलिए हमारे यहां ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जीव कोटि का ईश्वर कहते हैं, ईश्वर कोटि का जीव कहते हैं। ये भी जीव हैं लेकिन ईश्वर कोटि के, ईश्वर कोटि के जीव हैं, नित्य जीव माने जाते हैं। जब सृष्टि का आविर्भाव होता है तब ये प्रकट होते हैं, क्योंकि इनकी भी लिमिटेशन है। जीव का अर्थ क्या होता है जानते हो? एक सीमा में चेतन की अभिव्यक्ति, उसको जीव कहते हैं। अब वो सीमा बड़ी है कि छोटी है? तो चींटी की सीमा छोटी सी है ना, और ब्रह्मा की सीमा बड़ी सी है। भी अतिथि ब्रह्मा, उपनिषद कहती है कि जो सबसे बड़ा है, विस्तृत है, उसको ब्रह्मा कह देते हैं। तो इसको कहते हैं क्या? ब्रह्मांड। अंडा तो देखा है ना आप लोगों ने, अंडा गोला साइज है। अब ये क्या है? ब्रह्मांड माने बड़ा अंडा, ये बड़ा अंडा है। तो बड़े अंडे की सीमा जो है बड़ी है, और इसको क्या कहते हैं? पिंड, छोटा अंडा। पिंड और ब्रह्मांड, पिंड पिंड ब्रह्मांड यो एकत्वम, ये उपनिषद का वाक्य। तो उसमें बताया गया कि जो पिंड में वही ब्रह्मांड में है। तो बड़ा अंडा है, छोटा अंडा है, दोनों अंडे, ये दोनों की सीमा है। और यदि आप ब्रह्मांड से परे जाना चाहते हो फिर तो भगवान कहते हैं बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अनेक जन्मों के पश्चात फिर ज्ञानी जब मेरी शरण में आता है तब उसको अनुभव होता है वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, तब वो उस परम सत्य का साक्षात्कार कर पाता है, उससे पहले नहीं। तब वो ब्रह्मलीन होने का अधिकारी होता है, तब वो ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करता है। तो जीवन का लक्ष्य है ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करना, ब्रह्म लोक प्राप्त करना नहीं है, याद रखना। जीवन का लक्ष्य शाश्वत सनातन धर्म में, जीवन का लक्ष्य स्वर्ग प्राप्त करना नहीं है, ना ना, स्वर्ग प्राप्त करना नहीं है, ब्रह्मलोक प्राप्त करना नहीं है, कोई लोक विशेष प्राप्त करना नहीं है। इसका लक्ष्य है ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करना। और ये ब्रह्म निर्वाण गीता में भगवान कहते हैं ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति सिद्धवा श्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मुच्यते। जब आप जीते जी ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेंगे तभी आप शरीर छोड़ने के पश्चात ब्रह्म निर्वाण के पात्र बनेंगे, अन्यथा नहीं। और ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो मैंने बताया, संकेत किया, आप उस विशुद्ध बुद्धि का अभ्यास कीजिए, बुद्धि को विशुद्ध बनाइए, ज्ञान का यथार्थ प्रकाश आप में होगा, और ज्ञान के यथार्थ प्रकाश में आप सत असत का निर्णय कर पाएंगे। सत असत का निर्णय होने पर असत का त्याग और सत में अनुरक्ति होगी, सत में अनुरक्ति को ही भक्ति कहते हैं, ये भी याद रखना। सा परानुरक्ति ईश्वरी, भक्ति की व्याख्या के सामने ऋषि ने, सा परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, ये भक्ति की व्याख्या की है नारद जी ने। तो आप परमात्मा में अनुरक्ति करेंगे, सत में अनुरक्ति करेंगे, तो सृष्टि में दो ही पदार्थ है, सत और असत, चित चितोर न तृतीय। सांडिल ऋषि कहते हैं कि सृष्टि में दो ही पदार्थ, चित और अचित, सारा कोई पदार्थ नहीं। अचित माने प्रकृति, चित माने चेतन परमात्मा। और जब आपकी चेतन में अनुरक्ति हो जाएगी तो अचित से आप अनासक्त हो जाएंगे। अचित से अनासक्ति और चेतन में अनुरक्ति, यही भक्ति का, यही योग का, यही ज्ञान का परिणाम है। यदि आप इस परिणाम को ग्रहण करते हैं, इस दिशा में प्रयत्न करते हैं, तो आप भाग्यशाली बनेंगे। और यदि इस दिशा में प्रयत्न नहीं करते तो आप जाने और आपका काम जाने, बताना मेरा काम था, सुनना आपका काम था, आगे आचरण में लाना तो आप सबका काम है, हम उसमें क्या करेंगे। मैं तो बहुत वर्षों से, अब तो लगभग मुझे 50 वर्ष होते होने आए, घूम घूम कर दुनिया के लोगों में, मनुष्यों को मैं इस सतमार्ग की सीख दे रहा हूं। मेरे साथ इस समय मेरे 25 शिष्य हैं, शिष्याएं हैं,
जो सभी हाईली क्वालिफाइड हैं, जितने आप देख रहे हो मेरे साथ, सब ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं भिन्न भिन्न विषयों के, और कई कई विषयों के। मनीषा जी हैं, ये तीन विषय की एमए और पीएचडी हैं। ये योगाचार्य हमारे शिष्य हैं, इधर बैठे हुए फिलोसफी संस्कृत इंग्लिश आदि के विद्वान हैं। तो इसी प्रकार से हमारे सारे शिष्य इधर बैठे हुए हैं, जो देख रहे हो ये हॉलैंड से आई है साइकोलॉजी की एमए। एक हमारे वो दूसरी शिष्या है, आपने देखा होगा ज्ञानेश्वरी, वो फिलोसफी और इंग्लिश की एमए, शिक्षा विषय में भी एमए किया है, वो तीन विषयों की एमए। तो मेरे कहने के प्राय सभी हाईली क्वालिफाइड है मेरे शिष्य, और हम इन सबके साथ कई वर्षों से मानव जाति को जागृत करने के लिए प्रयत्नशील है। हम जहाँ जाते हैं वहाँ मनुष्यों को यही संदेश देते हैं, मेरे संदेश में कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे आप किसी मजहब को मानते हो, किसी संप्रदाय को मानते हो, किसी धर्म को मानते हो, उससे मेरा कोई मतलब नहीं। मैं जाता हूँ तो सबसे यही कहता हूँ, अंग्रेजों को भी यही कहता हूँ कि फर्स्ट यू शुड बी ह्यूमन बींग, यू लिसन टू मी। यदि तुम क्रिश्चियन होकर मेरी बात सुनोगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मनुष्य बनकर मेरी बात सुनोगे बस समझ में आ जाएगा। बस कोई भी यदि दुराग्रह से रहित होकर मेरी बात सुनोगे तो मेरी बात तुम्हारी समझ में बैठ जाएगी, क्योंकि मैं सारी दुनिया घुमा हूं, एक बार नहीं कई बार घुमा हूं, अभी आधी दुनिया में प्रतिवर्ष घूमता हूं। ये तिवारी जानते, अच्छी प्रकार जानते हैं, लेकिन मैं जहां भी गया हूं वहां हमें हर एक मनुष्य में तीन चीजें मिली है, हेड हार्ट और हैंड। सबके पास बुद्धि है, सबके पास हृदय है, सबके पास हाथ है। ये हाथ जो है ये कर्म का साधन है, हृदय जो है प्रेम का साधन है, और बुद्धि जो है ज्ञान का साधन है। तो कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके पास बुद्धि न हो, जिसके पास हृदय, ये रास्ते से भटक जाता है वो, बुद्धि विकृत हुई तो हृदय विकृत हो गया, और हृदय विकृत हुआ तो हाथ गलत काम में लग जाते हैं। ये बात समझे, सारी दुनिया के मनुष्यों की यही कहानी है, अलग अलग कहानियां नहीं है। इसलिए धर्म वो है जो आपके बुद्धि को, हृदय को और हाथ को एक